नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार बंद को लेकर, साथ ही साथ उसके असर के बारे में भी आज हम जानेंगे कि क्या असर बिहार में दिख रहा है, खासकर ट्रेनों को लेकर। बिहार माने अग्निपथ को लेकर बिहार समेत देश के कई राज्यों में इस आंदोलन की आंच पहुंच गई है। बता दें कि शनिवार को 315 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ शनिवार को अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के छात्र युवा संगठन आयशा, इनेस, रोजगार संघर्ष मोर्चा, सेना भर्ती जवान मोर्चा ने बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही साथ इस दौरान जो है कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी बंद का ऐलान किया गया, जिसमें राजद के साथ साथ बंद का ऐलान किया है। शनिवार की सुबह से ही जहानाबाद में बिहार बंद का असर साफ साफ दिखने लगा। जहानाबाद के टेहटा ओपी के बाहर सड़क पर खड़ी पुलिस द्वारा जब्त ट्रक और बस को छात्रों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने उपद्रवियों को सख्ती से निपटने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ 15 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इतना ही नहीं, सोशल मीडिया साइट पर भी पाबंदियां लगा दी गई है। साथ ही साथ इन पर 70 केस मुकदमे भी जो है दर्ज करने की बात कही गई है। कहा गया है कि अब तक 70 ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। अगर हम बिहार के अन्य जिलों की बात कर लें तो दानापुर रेलवे स्टेशन पर आज के दिन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखा गया। बता दें कि यात्री प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि रद्द कर दी गई। हमने पहले बताया 315 ऐसी ट्रेनें हैं जिसको कि रद्द कर दी गई है। बता दें कि शुक्रवार को दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को जला दिया गया था। हालांकि दानापुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को दुकानें खुली मिली, यहां पे बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अब हम बात कर लेते हैं पटना जंक्शन की। राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पर बिहार बंद का कोई खास असर नहीं देखने को मिला। रोज की तरह स्टेशन पर यात्री नजर आ रहे हैं। हालांकि बंद को देखते हुए सड़कों पर पुलिस का जमावड़ा देखने को मिला। साथ ही साथ सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में भी कमी देखने को मिली। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आधा दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यहाँ यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मुंगेर रेलवे स्टेशन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ यात्रियों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है। यहाँ पे GRP और RPF के जवान तैनात है। नालंदा में से खुलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली और रांची जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस दौरान यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। आरआर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन कैंसिल होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर आने के बाद वो एक बार फिर से उन्हें लौटना पड़ रहा है। सहरसा की बात कर लें तो पूरे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ से खुलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खगड़िया के मानसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए DM और SP की तैनाती एक बार फिर से वहां कर दी गई है। यहां भी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म से यात्रियों को भी बाहर निकाला जा रहा है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ इन इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान स्टेशन के दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी लेन पे दंडाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। सिवान रेलवे स्टेशन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, यानी कि पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो सन्नाटे में तब्दील है। यहाँ से ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई है, जिससे कि यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्णिया में विपक्ष के बंद का कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। यात्री स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जवानों की तैनाती कर दी गई है। जमुई रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जवानों की यहाँ तैनाती की गई है। मधुबनी में सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ शहर में धारा 144 भी लागू किया गया है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि आप जो है सरकारी संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाएं और लोगों को शांति बहाल करने की बात कही जा रही है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को पुलिस का तांता एक तरह से कह लें कि यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ यात्री से ज़्यादा पुलिस जो है रेलवे स्टेशन पर देखने को मिले हैं। एक तरह से कह लें कि बिहार का लगभग ऐसा जिला है जो कि इस अग्निपथ की आँच में आज झुलस रहा है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बस, ट्रेन, एक तरह से कह लें एम्बुलेंस की भी जलने की खबरें जो है मीडिया में आई है, तो ऐसे में कहा जा रहा है। और साथ साथ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो आज बंद का ऐलान किया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि यह जो बंद है यह जो है सरकार के खिलाफ बंद है, ना कि हम जो है एक तरह से कह लें कि उग्र भीड़ के रूप में जो है जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, जो उग्र भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, जो ट्रेनों और बसों को जला रहे हैं, हम उनके साथ हैं। एक तरह से कह लें कि विपक्षी पार्टियों ने जो है उन उपद्रवियों से अपना नाता तोड़ा है और वो अलग जो है केंद्र सरकार के
के इस अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इंतजार इस बात का है कि केंद्र सरकार और छात्रों के बीच में कैसी सहमति बनती है और यह जो प्रक्रिया है अग्निपथ वो कैसे आगे बढ़ता है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।